दोस्तों आमतौर पर इंडिया का एक आम आदमी अपना अकाउंट SBI में खुलवाता है, वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। वैसे तो ब्लैक मनी को व्हाइट करना बहुत से अलग अलग तरीके हैं, बट उनमें से स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ही फेमस है। ये स्विस बैंक जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये कोई अकेला बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को स्विस बैंक बोला जाता है। साल 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपनी कस्टमर की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करेगा। इसके बाद 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक और बैंकिंग लॉ पास किया, जिसमें स्विस बैंक की किसी भी कस्टमर का डिटेल ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट या टैक्स एजेंसी को शेयर नहीं करेगा, चाहे वो कस्टमर क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और अगर स्विस बैंक का कोई भी कर्मचारी इस लॉ का उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की सजा होगी। दुनिया भर में जितने भी बैंक हैं, सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ स्विस बैंक का ही माना जाता है। और यही रीजन है कि जितने भी रिच लोग हैं वो अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं। देखिए इंडिया में क्या है कि RBI से अगर पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एजेंसी किसी भी कस्टमर का डिटेल मांगेगी तो देगा, बट स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पर किसके अकाउंट में कितना पैसा है ये उस व्यक्ति के अलावा किसी और को नहीं बताया जाता। एक रीजन ये भी है कि अगर एक बिजनेसमैन जितना भी पैसा कमाएगा इंडिया के बैंकों में रखेगा तो उसे आधा पैसा टैक्स के रूप में देना पड़ जाता है, इसीलिए ये लोग चोरी से अपना पैसा स्विस बैंक में जमा कर देते हैं और फिर इसी पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। इसके अलावा आप जब भी स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे आए कहां से। इस वजह से बिना किसी झंझट के लोग लाखों रुपए जमा कर देते हैं और इस बैंक में आप बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का पर्सन हो अपना अकाउंट खोल सकता है, लेकिन बस एक दिक्कत है, आपके पास मिनिमम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए और आपकी मिनिमम एज 18+ होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए।